दोस्तों, मैं जीशान आईपुर, आप देख रहे हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको आपको सबसे लगभग 8 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं और UDI कार्ड कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से वीडियो में बताया था। ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो देखकर आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और UDI कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, UDI कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप अप्लाई कर दिए हैं तो कैसे आपको मिलेगा और कैसे आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना UIDAI कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास CSC ID होना जरूरी है, तभी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ इस वेबसाइट का। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट के सेंटर फेस कुछ इस तरह दिखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए रजिस्टर बटन में क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया था, इस वीडियो में देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग का सपोर्ट भी अच्छा मिला है, ये वीडियो देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लाइक कर देंगे तो उसके बाद आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे उसका पूरा प्रक्रिया, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDI कार्ड। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग सर्टिफिकेट। UDI कार्ड क्या है? ये एक कार्ड होता है जो कि आधार कार्ड की साइज की और कार्ड होती है, जो कि कहीं पर उस कार्ड को आप सर्टिफिकेट में काम ला सकते हैं। सर्टिफिकेट बड़ी होती है, उसको कहीं पर ले जाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है विकलांग के लिए, इसलिए UDI कार्ड भी जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट आप नहीं भी लेके जाए, UDI कार्ड भी आप कहीं लगा सकते हैं, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने का वीडियो मैंने पहले बता दिया हूँ, दे दिया हूँ आपको। तो उसके बाद क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। तो अप्लाई जब हो जाएगा तब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अगर आपका खो गया तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक अपना स्टेटस कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर मांगेगा। जब आप अप्लाई किए होंगे तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उस इनरोलमेंट नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर कर सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेट मंथ डेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो कैप्चर आपको दिखने को मिला है, इस कैप्चर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। तो इनरोलमेंट नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तक सिंपल से दिखने को मिले, यहाँ पे उनका फोटो रहेगा जिनका अप्लाई किया, उनका सिग्नेचर, उनका इनरोलमेंट नंबर, नाम, email ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पूरा एड है। यहाँ से आप डाउनलोड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जो आपने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद जो रसीद जो मिलता है, वो रसीद भी आप फिर से यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए माय अकाउंट है, अपडेट प्रोफाइल है, यहाँ पे देखिए कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं। ये कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपका कार्ड इशू नहीं होता तब तक ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद मेडिकल कैंप के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पर ले सकते जानकारी। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट और डाउनलोड ई कार्ड, यानी कि ये कार्ड मतलब रद्द करने के लिए, और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ये EUID कार्ड डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे जो स्कीम चलते हैं डिसेबिलिटी के लिए, वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। अगर आपका पहले से बना हुआ है, वो हाथ से बना हुआ है, लेकिन उस प्रमाण पत्र का अभी बहुत जगह पे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, उस वीडियो से आपको फिर से अप्लाई करना है और आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जब फिर से आप अप्लाई करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो आपका वही सर्टिफिकेट का वही नाम, वही परसेंट भी वही रहेगा, सारा चीज़ का एक कंप्यूटराइज फिर से करंट सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर भी दिया रहता है, इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का नाम वगैरह सारा चीज़ उसमें आपको दिया रहता है। अगर पहले बना हुआ वो हाथ से लिखा हुआ, उसको उस सर्टिफिकेट को कहीं पे वैल्यू नहीं दे रहा, उनकी वैल्यू मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस स्टेप को फॉलो किया हूँ एक कस्टमर में, तो ये सक्सेस हुआ है। तो अगर आप न्यू बना रहे हैं, तो न्यू बनाने के बाद आपको कुछ समय बाद 2 महीने 3 महीने, ये मुझे जो मैं जो अप्लाई किया था, मैं
सातवें महीना 2019 में अप्लाई किया था और मुझे मिला कब, 31 मार्च 2020 को। मान लीजिए कि 6 महीने के दरमियान हमें समय लगा, क्योंकि इनका जो 6 महीने लगा क्योंकि इनका पहले से बना हुआ था, फिर से इशू करवाया गया यूटीआई कार्ड इशू करवाया गया और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो कंप्यूटराइज इशू करवाया गया, जिसमें 6 महीने समय लगे। अगर आप न्यू बनाना चाहते वही आपको 6 महीने का समय आपको भी लग सकता है। इसमें आपको एक और प्रक्रिया करना पड़ता है, जिनका पहले से बना हुआ कंप्यूटराइज उसी सर्टिफिकेट को करवाना चाहता है उसके लिए उसको कहीं नहीं जाना होगा, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ऑनलाइन ही उनको मिल जाता है। अगर आप न्यू बनवाना चाहते तो ऑनलाइन करेंगे तो आपको एक मेल आएगा और मैसेज दोनों आएगा, जिस डेट को आपके डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे कैंप लगेगा, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, उस दिन आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर देखेंगे, फिर आपको वहाँ पे परसेंट दे देंगे इतना परसेंट। अगर आप न्यू बनवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ कैंप में जाना होगा, वहाँ पे डॉक्टर आपको दिखेंगे, फिर उन हिसाब से विकलांगता के हिसाब से आपको परसेंट देंगे, इतना परसेंट विकलांगता है। जब वो वहाँ से जाँच कर देंगे तब आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें रहेगा योर यूटीआई कार्ड और सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो जाएगा फिर से आपको इस पोर्टल पर आना, फिर से लॉगिन करना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड ई यूडीआई कार्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपका जांच हो जाएगा, जब पेशेंट का जांच हो जाएगा उसको परसेंट मिल जाएगा, जब वेरीफाई हो जाएगा तब, ठीक है। लेकिन न्यू जब बनाने तब आपको वेरीफाई करना, मतलब कि हॉस्पिटल में जाकर जाँच करवाना होता है। अगर आपको पहले से बना हुआ है और उसी को आप चाहते कंप्यूटराइज फिर से करंट बनवाना है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था पहले उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया था, ना ही डॉक्टर का नाम दिया गया था, जिसकी वजह से उनको कहीं भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, वैलिड उसको नहीं समझा जा रहा है, तो इस माध्यम से आप उसको ऑनलाइन करके न्यू बनवा सकते हैं। अगर आपको पहले से बना हुआ है फिर से आप करंट बनवाना चाहते जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सारा चीज़ चाहिए, तो आपको सिर्फ अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा, आपको उसके लिए कहीं नहीं जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये सर्टिफिकेट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको अभी सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया हूँ दिखाऊंगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे यूटीआई कार्ड इसे भी डाउनलोड कर लेता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह करा था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर लिया, मैं इसे भी ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया हूँ, इसी तरह आप डाउनलोड करके चलिए, आप दिखाते हैं किस तरह सर्टिफिकेट रहता है। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट नंबर वगैरह हाइड कर दिए, जो जानकारी थी उनको हाइड कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट पे भी क्यूआर कोड, डॉक्टर का नाम, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे उनका पूरा डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना परसेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है, किस टाइप का डिसेबिलिटी वो दिखाया गया, यहाँ पे फोटो दिया गया, सिग्नेचर दिया गया। और यहाँ पे इशू डेट जो यहाँ पे देखिए इनका पहले से बना हुआ था, जो हाथ से इशू किया गया था जिसपे सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन उसी डेट में ये फिर से कंप्यूटराइज एक अपडेट करके सर्टिफिकेट इशू किया उसी डेट में, बैक डेट में ही। ये तो सर्टिफिकेट हो गया, चलिए आप दिखाते यूटीआई कार्ड कैसा रहता है। तो ये देख सकते ये हुआ यूटीआई कार्ड, ये फोटो वाला यूटीआई कार्ड का फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज, जिस तरह आधार कार्ड प्रिंट करके प्लास्टिक ओवर करते हैं उसी तरह आपको इसको प्रिंट करना है, प्लास्टिक ओवर कर लेना है। यहाँ पे भी जो जानकारी है जो था उसको हाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह आप यूटीआई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी चीज़ हम आपको बता दिए हैं। पहले तो मैंने दूसरे वीडियो में बताया था आपको, इस वीडियो में वो देख लीजिएगा किस तरह अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया दिया था किस तरह अप्लाई करते हैं, ये वाला वीडियो में, तो अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप किस तरह डाउनलोड करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बता दिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कोई भी मैसेज या किसी भी तरह का हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पर आप हमारे साथ चैटिंग कर सकते हैं और अपनी जानकारी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम के लिंक पे और फॉलो कीजिए और करिए हमसे बातें इंस्टाग्राम। फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजफुल जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे जरूर।